इसमें अगले वाले को नहीं पता चलेगा उसने हमारा मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्योंकि उसने तो उसके हिसाब से तो उसने डिलीट कर दिया, लेकिन आपने तो रीड कर लिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपको सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी इंडिया में या बाहर कंट्रीज में बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन, जिसको मैसेजिंग एप्लीकेशन कह सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, ऑडियो शेयर कर सकते हो, मैसेज टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, यहाँ तक कि आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, वॉइस कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो इसके बारे में एक चीज मैं बात करने वाला कि जैसे कोई भी मैसेज जब से डिलीट हो गया, मतलब आज की डेट में एक ऑप्शन है जैसे डिलीट फॉर एवरीवन, लोग क्या करते हैं डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। तो अब ये डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया तो इसमें अगर मैसेज क्या है, वो आपको कैसे रीड करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए, चलिए वीडियो में बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं व्हाट्सएप। तो देखिए, व्हाट्सएप बेसिकली सभी के पास एक ऐसा होता है, एक उत्सुकता होती है कि यार अगर मैसेज ये डिलीट हो गया तो मुझे पढ़ना है अगले ने क्या भेजा। क्योंकि जब आप डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हो, पहले एक डिलीट का ऑप्शन होता था, लेकिन अब जब से अपडेट आ गया तो डिलीट फॉर एवरीवन हो गया है, तो उसमें आपको दोनों तरफ डिलीट मैसेज हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी तरफ है जहां रिसीव हुआ होगा वहां पे एक नोटिफिकेशन जरूर रहेगा कि मैसेज वॉट डिलीटेड, ये मैसेज जरूर रहेगा। आप डिलीट फॉर एवरीवन करोगे फिर भी मैसेज वॉट डिलीटेड का नोटिफिकेशन जरूर आएगा। तो आप जब उधर नोटिफिकेशन चला जाता है, आपने इधर से डिलीट कर दिया, उधर के बंदे को जरूर ये उत्सुकता रहती है कि यार इसने क्या भेजा था, कुछ वैसा तो नहीं भेजा था, ये जो भेजा था वो मुझे पढ़ना है। तो इस पढ़ना ये कैसे पढ़ सकते हो, देखिए कोई ऐसा तो व्हाट्सएप में फीचर है नहीं कि आप उसके सहारे से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, अभी कंपनी ने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि आप व्हाट्सएप के ही फीचर में जाके आप जो मैसेज डिलीट हो गया उसको पढ़ सकते हो। आप बैकअप ले सकते हो, कुछ भी ये सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन डिलीट मैसेज को नहीं पढ़ सकते। तो उसको पढ़ने के लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी व्हाट्सएप ने ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं दिया है जिसकी तरफ से आप पढ़ सकते। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वो कौन सा है, उसको आपको कैसे यूज करना, उसके बारे में आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के लिए, कहीं ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मतलब डाउनलोड कर भी रहे हो तो आप ट्रस्टेड वाली साइट पे जाना, कहीं आप फर्जी साइट से मत डाउनलोड करना, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आजकल बहुत सारा फ्रॉड होता है, ये भी मैं बता दूं। तो आपको जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन जिसका नाम है गेट डिलीटेड मैसेज, आप फिर से सुन लीजिए, गेट डिलीटेड मैसेज, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। और जैसे जनरली एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो इसको भी सेम उसी तरीके से इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट या इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो परमिशन मांगेंगे वो परमिशन दे दीजिएगा, ठीक है, फिर ये अपना काम स्टार्ट करेगी परमिशन देने के बाद। अब इसमें एक खास बात और है कि आपको एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन की परमिशन जरूर देना पड़ेगा, बाकी परमिशन मतलब जैसे आप केवल फोटो एक्सेस, कॉन्टेक्ट एक्सेस ये सब देते हो तो उसमें आपको नोटिफिकेशन की परमिशन जरूर ऑन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर आप नोटिफिकेशन की परमिशन नहीं ऑन करते हो तो ये व्हाट्सएप के साथ नोटिफिकेशन को सिंक नहीं कर पाएगा, और फिर ये मैसेज को जो डिलीट हुआ मैसेज वो आपके उस पे फोन पे नहीं दिखा पाएगा। तो जब वो नोटिफिकेशन की आप परमिशन ऑन कर दोगे तब जाके अगर कोई भी बंदा डिलीट फॉर एवरीवन करता है या डिलीट मैसेज कर देता है तो जो सेंडर है, जो रिसीवर है, वो पढ़ सकता है उसके उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन में जाके, वो दिखा देगा कि हाँ वहां पे तो डिलीटेड ही दिखाएगा, आपको व्हाट्सएप में तो डिलीटेड ही दिखाएगा डिलीटेड मैसेज, बट आप जब इस एप्लीकेशन के पैनल में जाएंगे तो वहां पे आपको ये दिखाएगा कि हाँ ये मैसेज उसने डिलीट किया था, ये आप पढ़ सकते हो। तो मतलब ये एक देखा जाए तो इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है ऐसी चीजों को करने के लिए कि हाँ किसी का क्या आया, वो डिलीट हो गया तो मुझे पढ़ना है इस तरीके से। तो बेसिकली इससे ये कर सकते हो, लेकिन इसमें अगले वाले को नहीं पता चलेगा कि उसने हमारा मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्योंकि उसने तो उसके हिसाब से तो उसने डिलीट कर दिया, लेकिन आपने एक थर्ड पार्टी यूज करके उसको रीड कर लिया, तो आपने रीड कर लिया कि उसने क्या भेजा था। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो और डिलीट हुए मैसेज को पढ़ सकते हो।
तो दोस्तों आप लोग एक बार यूज करना। हाँ, अगर यूज करना तो कैसा लगा वीडियो ये बताना, और एप्लीकेशन कैसी लगी इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। ठीक है, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, मैं लिख भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। हाँ, प्ले स्टोर से ही करिएगा, कहीं और से मत डाउनलोड करिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पे, टिप्स ट्रिक्स टेक्निकल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हम लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, जाते जाते बेल आइकन दबा देना, इससे क्या होता है अगर हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के दिन इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।